हमारे समाज में और हमारे देश में बहुत सी ऐसी महान हस्तियां हैं जो चाहती हैं कि अगर हम डूब रहे हैं ना तो सभी के लिए डूबे। ऐसा ही हाल है हमारे बॉलीवुड का। बॉलीवुड खुद तो डूब रहा है, पर वो चाह रहा है कि भाई मैं अच्छे से अच्छे एक्टर एक्ट्रेस को भी ले डूबू। बात तो सही है। तो गाइस अब देखते हैं कि बॉलीवुड कैसे डूब रहा है और किन किन बॉलीवुड अच्छे एक्टर एक्ट्रेस को डुबाना चाहता है। तो फाइनल गाइज आज हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं गणपत पार्ट वन का टीजर रिव्यू लेकर के। तो गणपत का टीजर आया है अभी। टीजर ज्यादा से ज्यादा 36 से 30 सेकंड का है, तो बहुत छोटा सा टीजर दिया है। उस टीजर में दिखाया गया है कि एक रिंग है और उसके चारों तरफ शोर हो रहा है, तो सभी अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई वो एक फाइट क्लब है। और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ टाइगर श्रॉफ को दिखाया गया है, वो भी ना कि एक्शन करते हुए, सिर्फ उनका एक फोटो लगा दिया है और उनके हाथ पर लिख दिया है इस मूवी की रिलीज डेट, जो कि दशहरा 2023 में हमारे रिलीज होगी, 20/10/2023 को। इसमें अमिताभ बच्चन जी का एक बहुत बड़ा रोल दे रहे हैं, उससे ये मूवी शायद बच सकती है, क्योंकि ये अमिताभ बच्चन हमारे सदी के महानायक हैं। उनके बहुत से फैन फॉलोइंग है, उनको लोग देखना पसंद करते हैं। तो और इसमें काफ़ी ऐसी और एक्टर हैं, एक्ट्रेस है, कृति सेनन है, रश्मिका है, और भी काफ़ी सारे इसमें कैरेक्टर हैं। पर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बॉलीवुड के जो मेकर हैं ये कर क्या रहे हैं, ये करना क्या चाहते हैं। अभी उन्होंने बॉलीवुड को महान बनाने के लिए पठान का 1000 करोड़ का कलेक्शन दिखा दिया। मैंने अपनी एक और वीडियो बनाई थी जिसमें दिखाया गया था कि उसका कलेक्शन फेक दिखाया गया है, वो भी बॉलीवुड के जो सेलिब्रिटी हैं, मतलब कि उनके जो सहायक हैं, उनके जो अपने लोग हैं, उन्हीं के आंकड़ों पर। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ये बॉलीवुड पता नहीं क्या चाह रहा है। आप एक बात बताओ, गणपत के इन्होंने फर्स्ट लुक दिया था और भी काफ़ी सारे पोस्टर रिलीज किए थे, उनमें हमने देखा था कि एकदम तो मस्त अलग ही एक हमारा इम्प्रेशन आया था सभी पब्लिक पर कि भाई ये मूवी भयंकर होने वाली है, बहुत ही धूम मचा देगी मूवी। पर फिर हम अब देखने को मिल रहा है कि बस 36 सेकंड और 30 सेकंड का टीजर। चलो टीजर तो ठीक है, इतना ही बहुत है, पर उसमें सिर्फ और सिर्फ नाम दिखाए हैं और एक लुक दिखाया है हमारे टाइगर श्रॉफ का। तो टाइगर श्रॉफ भाई, आप बॉलीवुड के इन चक्करों में मत आओ, ये मेकर्स तो आपको बर्बाद करना चाह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बॉलीवुड को तो बिल्कुल गड्ढे में डाल दिया है। तो भाई इनसे बचो, सिर्फ मेरा ये कहना आपसे टाइगर भाई। तो गाइज अगर आपको मेरा ये टीजर रिव्यू अच्छा लगा हो ना, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।